दोस्तों तुम्हें पता है पिछले वेकेशन में हमारा पूरा परिवार मत्सुट्टा के माउंटेन पर गया था। वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया। हमने खाए ढेर सारे स्टीम मशरूम्स, ग्रिल मशरूम्स, मशरूम राइस और मशरूम सूप। वहाँ पर खूब सारे मशरूम के डिशेस थे, मैं तो सारे खा भी नहीं पाया। उन मशरूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था। उनका रंग और उनकी खुशबू तो कमाल की थी। तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए, पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे। तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना। वैसे दोस्तों वहाँ पर जाना सबकी किस्मत में नहीं होता। मेरा मतलब है जैसे कि तुम लोग। ये कोई नई बात नहीं है, पर सीनियर की बड़ी बड़ी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और मुझे जलन होती है। ओ हाँ, मैं डोरीमोन से बात करूँगा। पर मुझे यकीन है कि डोरीमोन भी अपनी पॉकेट से मशरूम नहीं निकाल पाएगा। वैसे मैं आज तक उस जगह कभी नहीं गया। देखो मजाक मत करो, मैं वहाँ गया तो मैं जरूर सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा। इतने उदास क्यों लग रहे हो नोबिता? ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? कुछ भी नहीं। चलो ठीक है। बड़े अजीब लोग हैं सब। क्या बात है डैड? डोरेमोन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे ऑफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है। मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डींगे मार रहा है। उसने मुझे सबूत के तौर पर उस मछली का फोटो दिखाया। उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है। उसने मुझे उस मछली से भी बड़ी मछली पकड़कर दिखाने की चुनौती दी है। अरे वो डींगे मारता रहा और मैं सुनता रहा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो उससे भी बड़ी मछली पकड़ सकता हूँ, समझे? पर क्या है, मेरे पास वक्त नहीं है। अब डोरेमोन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना? उसने मुझे इस बात की चुनौती कैसे दी? डैड, यह नजदीकी एक फिश पॉन्ड है। ओहो, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नोबिता? बड़ी मछलियाँ सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती हैं, समझे तुम? ओ अच्छा, मेरे पास झील और नदी दोनों हैं डैड। क्या सच में? जरा एक मिनट रुकिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मिनिएचर गार्डन सीरीज माउंटेन स्ट्रीम। आखिर तुम इस मिनिएचर गार्डन से करने क्या वाले हो? अभी बताता हूँ डैड। स्विच को ऑन करते ही पानी का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, जिससे एक माउंटेन स्ट्रीम तैयार हो जाती है। अब मैं इस पानी में छिड़कूंगा कुछ इंस्टेंट हैचिंग मिनिएचर फिश एग्स, जो कुछ ही देर में हैच हो जाएंगे। ये लो। अब वक्त हो गया है। अब ये फिशिंग के लिए तैयार है। ठीक है डैड, अब आप भी तैयार हो जाइए। अब जल्दी कीजिए डैड। हाँ, पर मुझे फिशिंग के लिए तैयार होने की क्या जरूरत है? अब आप अपने जूते पहन लीजिए। आप तैयार हैं? स्मॉल लाइट। समझ गया, तुमने डैड को छोटा कर दिया ताकि वो मिनिएचर माउंटेन स्ट्रीम में फिशिंग करने जा सके। बिल्कुल सही कहा। ओफो, ये सब क्या है? मैं तो भीग गया हूँ, मुझे जरा आराम से नीचे उतारना था। तुमने तो कहा था यहाँ बहुत सारी मछलियाँ होंगी, पर यहाँ तो अरे ओह ढेर सारी मछलियाँ हैं। वाह, तुमने देखा डैड कितने खुश हैं? हाँ।